भारतवर्ष का महात्योहार यानी कि स्वतंत्रता दिवस कुछ ही दिनों में आने वाला है। कुल दो दिन रह चुके हैं स्वतंत्रता दिवस को, और इस वक्त मैं आपको लेकर आया हूँ शहर के बीचों बीच सिटी के एरिया में, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से उत्सुकता है लोगों के बीच में इंडिपेंडेंस डे को लेकर। इंडिपेंडेंस डे भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार आप इसे कह सकते हैं, सबसे बड़ा महापर्व इंडिपेंडेंस डे होता है। स्वतंत्रता दिवस सन 1947 में 15 अगस्त के दिन पूरे भारतवर्ष को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से, और उसके बाद से इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तकरीबन अभी मैं आपको बता दूं 72 ईयर्स हो गए हैं हमारी इंडिपेंडेंस को, और 72वां ये इंडिपेंडेंस डे जो है वो आने वाला है, और जिसके चलते काफ़ी उत्सुकता है आम जनता के बीच में, लोगों के बीच में, भारतीयों के बीच में। और इस वक्त मैं आपको लेकर आया हूँ शहर के बीचों बीच सिटी का ये एरिया है, जहाँ पर आप ठीक विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरह से स्वतंत्रता दिवस की जो तैयारियाँ हैं वो किस तरह से चल रही हैं। लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और भारत माता का झंडा जो है लेकर जा रहे हैं, और यहाँ पर एक व्यक्ति हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है झंडा जो है वो लेकर जा रहे हैं, किस तरह से लोग अपने घरों की तरफ भारत माता का झंडा लेकर जा रहे हैं। और तैयारियां आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉप्स में अलग अलग तरीके से हुई हैं। टी शर्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी ट्राई कलर्स की, उसी के साथ साथ अलग अलग जो है इक्विपमेंट्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे फ्लैग्स जो हैं फ्लैग बैचेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आइए मैं आपको दुकान के अंदर लेकर चलता हूँ और विस्तार में दिखाता हूँ हर एक चीज़ें। और यहाँ पर आप विजुअल्स में देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के पैचेस जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक साइज़ के अलग अलग जो है जिसे हम डिज़ाइन कहेंगे उसके पैचेस मौजूद हैं। फ्लैग्स यहाँ पर हर एक साइज़ के मौजूद हैं। काफ़ी तैयारियाँ जो हैं इंडिपेंडेंस डे को लेकर चल रही हैं। रिस्ट बैंड्स यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ वहाँ सामने आप इसलिए हैट्स जिसे हम कहेंगे वो भी मौजूद है, और यहाँ पर नीचे की तरफ अगर कैमरा हम घुमाएं तो टर्बन्स जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो काफ़ी उत्साह जिसे हम कहेंगे लोगों के बीच में है इंडिपेंडेंस डे को लेकर, और छोटी छोटी जो हमारी बच्चियाँ हमारी बहनें हैं उनके लिए ये इंडिपेंडेंस डे के जिसे हम कहेंगे हेयर बैंड भी यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से दुकान जो है पूरी ड्राई कलर से जो है वो सजी हुई है। घर की सजावट के लिए भी जो है इंडिपेंडेंस डे के ट्राई कलर के जो हैं ये चीज़ें मौजूद हैं। तो इस वक्त मेरे साथ एक लेडी यहाँ पर महिला मौजूद है जो यहाँ पर शॉपिंग कर रही है इंडिपेंडेंस डे के लिए, इससे ट्राई कलर भारतीय आन बान शान तिरंगे की। तो मैम सबसे पहले मैं आपका स्वागत है हमारे स्टूडियोज़ में। इस वक्त आप इस दुकान पे मौजूद है और शॉपिंग कर रही हैं, आपने खासकर ये तिरंगा झंडा जो है खरीदा है, तो क्या कहेंगी इंडिपेंडेंस डे आने वाला दो दिन में, तो किस तरह से फीलिंग है दिल में? मुझे तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है, साथ में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया हुआ 370 पे उस पर तो बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे। आप इस फैसले के फेवर में हैं? हाँ, मैं इस फैसले के फेवर में हूँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे माध्यम से? देना चाहती हूँ कि सारे जो जनता है बाहर निकले, अपने ये 15 अगस्त को अच्छे से मनाए, खुशी से हर एक बच्चा गली के बाहर निकले, देश के नारे लगाए, भारत माता की जय हो, और इससे ज़्यादा और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने देखा कितना उत्साह है लोगों के बीच में, इंडिपेंडेंस डे दो दिन रह चुके हैं बड़े त्यौहार को आने में, और लोग यहाँ पर घरों से बाहर निकल रहे हैं और इंडिपेंडेंस डे की अच्छे से ख़रीदारी जिसे हम कहेंगे वो कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ शॉप के ओनर जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे श्री न्यूज़ में। सर मैं संजीव कुमार गुप्ता, लोग मेरे पास टी शर्टें आई हुई हैं, झंडे और नेशनल फ्लैग आए हुए हैं और बाल आए हुए हैं, लोग बाल अगर बात करें उत्साह की तो किस तरह का उत्साह है लोगों के बीच में? लोगों में बड़ा उत्साह है, लोग मैक्सिमम लोग जो मेरे पास बूढ़े लेडीज़ और बच्चे आ रहे हैं वो बोल रहे हैं, हम यही बात बोल रहे हैं हम अपने घरों के ऊपर छत के ऊपर झंडा लगाएंगे जो कि उनको पाकिस्तान को मैसेज मिले, कम से कम ये तो पता लगे उसको हमारे इंडिया का फ्लैग जो है सबसे ऊंचा फ्लैग है, और उससे इसको बड़ा अच्छा मैसेज मिलेगा जिससे उसका भी थोड़ा सा दिमाग में जो वो चल रहा है उग्रवाद का वो सब खत्म हो जाएगा। जी शुक्रिया हमसे बात करने। तो आपने देखा कि लोग इनका जिन्होंने मेन मोटिव इन्होंने कहा कि बच्चे बुजुर्ग सब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं इंडिपेंडेंस डे को लेकर शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार भारतवर्ष का इसे हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस डे, यानी कि इस दिन हमें आज़ादी मिली थी 1947 में अंग्रेज़ों से। तो काफ़ी महापर्व जो जिसे हम कहेंगे ना मज़ा वो ईद में है ना वो दिवाली में,
है जो इंडिपेंडेंस डे में है, तो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग चल रही है इंडिपेंडेंस डे को लेकर, और खासकर युवा जो हैं वो भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो हमारी एक कोशिश थी कि हम आपको ग्राउंड लेवल पे बाज़ार में लेकर आएँ और क्या जनता में उत्साह है, क्या मार्केट का इस वक्त जो है सिचुएशन है वो आप तक पहुँचाएँ। तो बाकी खबरों के लिए भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं अंक अग्रवाल, श्री न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत।